तो ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सवाल है, ये मतलब हम सबका सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सवाल है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना चाहते हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, ये सबसे मतलब डेंजर सवाल है। आपकी फैमिली आपको करने नहीं देती है, किसी का हस्बैंड उसको करने नहीं देता है, किसी की वाइफ उसको करने नहीं देती, किसी की पेरेंट्स। तो सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं रहता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सफर करना पड़ता है, उस कंडीशन में आप क्या करना चाहिए एक लीडर को, वो कैसे इसको मैनेज करेगा? थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फैमिली का सवाल है, क्योंकि अभी हमारे साथ में हमारे कुमार सर बोलते हैं कपल है तो सफल है। फैमिली साथ में होना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे सक्सेस में मेरे परिवार का, यहाँ तक मेरे बच्चों का और मेरे मिसेज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर दोस्तों आपको वेमार्ट में सक्सेस होना है, तो पहली चीज है आपके परिवार को भरोसा देना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आपके परिवार को पता होना चाहिए वेमार्ट के साथ में आप लोगों का फैमिली, आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। मुझे पता है आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, इसे मेरे मिसेज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, नो डाउट दोस्तों। बहुत बार मेरा मॉरल भी डाउन हो गया, डिप्रेशन में भी आ गया, डिस्टर्ब भी हो गया, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं जब टेंशन में रहता था बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। जिन लोगों को दोस्तों तैरना सिखाया, उन्हीं लोगों ने हमको डुबाना चाहा, ये दिन भी देखे हमने, मेरे मिसेस ने भी देखा कि जो लीडर जिसकी बीवी मुझे राखी बांधती थी, भाऊबीज पे आती थी, और वही लीडर मार्केट में जाके हमारे बारे में क्या क्या बात कर रहा था। मतलब ये इमोशनल पेन भी था, बहुत ज्यादा दर्द भी था, तो घर में सबको पता था। और दोस्तों मेरा 18 साल हो गया शादी होके, आज तक मेरे मिसेस ने, क्योंकि मेरे शादी के पहले से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आज तक उसने देखा कि ये इतना हरामी आदमी है कि ये खुशी खुशी कभी घुमाने लेके जाता नहीं है। जब टेंशन में है, डिप्रेशन में, मैं बच्चों के साथ में खेल रहा हूँ, उसको गार्डन में लेके जा रहा हूँ, मिसेस को बोल रहा हूँ बिरयानी बनाओ, मूवी देखने जाएंगे, तो उसको पता है ये खुशी खुशी मूवी देखने नहीं जा रहा है, ये ऐसे बच्चे को लेके गार्डन में नहीं घूम रहा है, कुछ तो टेंशन है इसको, कुछ तो डिप्रेशन में है। दोस्तों बहुत सारे लोग टेंशन में आने के बाद गम में रम पीते हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी जिंदगी में कहाँ पे जाना है, किसके लिए करना है, उद्देश्य क्लियर रखा, बच्चों के साथ में टाइम इन्वेस्ट किया, फैमिली के साथ में टाइम इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से दोस्तों आज यहाँ पे है। तो मैसेज एक ही है, आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना फैमिली सपोर्ट आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक मुझे पता है। आज विजय सर को मैं देख पा रहा हूँ कि आज मैडम का इतना बड़ा सपोर्ट है, मैं आज संजू सर को देख पा रहा हूँ, आज गौरीता का इतना बड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक नाना जी को देख पा रहा हूँ दोस्तों, उम्र बचपन दिल बचपन है, लेकिन फिर भी आज हमारे नानी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके कारण यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों। सो मैं ऑडियंस को लास्ट पे थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पे दे दिया।